अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों को दिल से वेलकम। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या तो आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल टाइटल से तो देख चुके हो कि मैं एक्चुअली मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल पर कुछ नया ट्राई करूँ। इस वजह से मैंने क्या कि मैंने बेकिंग क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया। तो बस मैं वहीं जा रही थी। एक्चुअली मैं ये पार्क सर्कस रोड की तरफ है, तो जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो लोग को पता है पार्क सर्कस कहाँ है, तो वहीं पर है। तो ये पता है ये फोर्थ फ्लोर था। एक तो इतनी गर्मी और प्लस ये फोर्थ फ्लोर, तो इंसान का तो हालत डाउन हो गया वहीं पर, और प्लस इतनी ट्रैफिक। तो क्लास जो था वो 1 बजे से शुरू होने वाला था, तो सबसे लास्ट ना हम लोग पहुंचे थे, मतलब मैं पहुंची थी सबसे लास्ट। तो इसलिए क्लास मतलब 2:30 या 3 बजे से ऐसा मतलब शुरू हुआ था। प्लस और पता है क्या, दिन का वक्त तो ट्रैफिक वगैरह बहुत रहता है, क्योंकि स्कूल टाइमिंग रहती है, बच्चों की छुट्टी होती है उस वक्त, तो उस वजह से और भी ज़्यादा लेट हो चुका था। और ट्रैफिक तो मत ही बोलो यार, ये तो हर कंट्री में हर सिटी में मिलेगा ट्रैफिक। तो हम लोग पहुँच गए हैं, तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग आ चुके थे, आप लोगों ने स्लीपर्स वगैरह देखा है बाहर में। तो ये था मैम के घर पे, जब हम लोग गए थे तो देखा था पूरा सीट फुल। तो मुझे जो सीट मिला था वो लास्ट में मिला था, तो मैं लास्ट में ही बैठ गई थी। अब क्या किया जाएगा, लास्ट में सीट मिला तो इंसान लास्ट में ही बैठेगा, क्योंकि लेट भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और मैंने बताया तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, और प्लस गर्मी वगैरह भी यार बहुत था, क्योंकि यार दिन में 1 बजे निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इंसान को मतलब औरत लोग को मतलब खाना वगैरह ये सब बनाने पड़ता है, घर का साफ सफाई करना पड़ता है। इस वजह से क्या मतलब लेट हो गया था। तो खैर हम लोग अच्छे से पहुंच गए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैम जो ना गणेश बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने बहुत गौर से देखा, मैंने बोला कि मैं शूट वगैरह भी करूंगी, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी, और प्लस मतलब ये ब्लॉगिंग वगैरह अपने चैनल पर डालने के लिए। तो यहाँ जो मैम ये देखे ये गणेश बनाने की रेडी कर रही है। तो मैंने क्या किया, मैं मतलब मैंने फुल रेसिपी नहीं लिया है, बस नहीं लिया है ऐसे ही, कि भाई इनका रेसिपी था, इस वजह से मैंने सोचा मैंने फुल रेसिपी में जो नहीं लेनी है। हाँ, अगर जब मैं अपना शूट करूँगी, जब मैं अपना मतलब रेसिपी मतलब ये क्या मतलब जब मैं खुद मैं केक बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों के साथ मतलब फुल वीडियो शेयर करूंगी इंशाल्लाह, कैसे क्या बनाया जाता है, क्या डाला जाता है ये सब। जब मैं क्लास में गई थी तो मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ वगैरह होगा, तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। अब देखते हैं कि क्या होता है जब मैं बनाऊंगी, तो मुझे कैसा मतलब टफ लगता है कि इजी लगता है। तो यहाँ जो ये मैम मतलब स्पॉन्ज की तैयारी कर रही थी, ये ग्रीस वगैरह कर रही थी मोल्ड में, तो उनका जो मतलब मेथड था ग्रीस करने का बहुत मतलब थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा। बहुत ऐसा लोग ना बटर पेपर ये सब लगाते हैं, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कुछ, तो इनका जो मेथड था वो मुझे अच्छा इजी भी लगा, और मतलब काफ़ी इंजॉय भी किया ये क्लास। एक्चुअली में ये क्लास इनका 2 दिन भी आता है, 1 दिन भी रहता है, 3 दिन भी रहता है, तो मैंने मतलब 2 दिन का क्लास किया था। तो ये जो था ये फर्स्ट डे क्लास था, और दूसरा दिन का भी क्लास का भी वीडियो मैंने लिया है, तो वो भी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह शूट क्या मतलब अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले ये पहले तो अपलोड हो जाए, आप लोग इसे देख लो। तो वो जो सेकंड वाला जो क्लास था ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो मैम ने जो कितना अच्छा डेकोरेशन किया केक वगैरह, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये पहला क्लास है ना, पहले क्लास में आपको स्पॉन्ज वगैरह बताया जाता है कि कैसा आप स्पॉन्ज बना रहे हो। यहाँ पर एक और एगलेस दोनों स्पॉन्ज मैम ने बताया था, तो बाकी मेजरमेंट वगैरह ये भी सब बता रहा है कि आप किस तरह से आप मतलब मेजरमेंट करके शुगर मैदा ये सब आप ले सकते हो, तो ये सब भी मेजरमेंट में भी मैम ने बताया। और प्लस क्या है मतलब क्या आपको यूज़ करना चाहिए, कैसा आपको मेजरमेंट कप या मेजरमेंट स्पून ये सब मैम ने बताया कि आपको ये मतलब प्रोडक्ट लेना है अपने बेकिंग के लिए।
तो वो सब तो मैं ऑलरेडी मैं ला चुकी हूँ। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी फ्लिपकार्ट का बेकिंग आइटम्स, अगर नहीं देखी तो देख लो भाई जाके, देखने में कुछ नहीं जाता है, देख लो। मतलब दो तीन सामान मैंने खरीदा क्योंकि मुझे सस्ता लगा था, मतलब फ्लिपकार्ट से, तो इसलिए मैंने खरीद लिया। और बाकी सब सामान मैंने लोकल मार्केट से खरीदा, तो उसका शायद मैंने ब्लॉग नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को पूछना अगर होगा तो पूछ लेना, अगर मैं बेकिंग वीडियो में डालूंगी तो उसमें से अगर आप लोग पूछना हो कि ये कितना मेरी मेरे, तो मैं बता दूंगी, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तो यार स्पॉन्ज वगैरह बन के तो तैयार हो चुका है, तो अब मैम जा रही है ग्नाश मतलब आइसिंग वगैरह करने। तो ये जो पहला जो लास्ट वाला जो स्पॉन्ज था वो उस मतलब क्रीम के ऊपर रखा, तो अब ये शुगर सिरप भी लग रहा है। आप शुगर सिरप स्पून की मदद से भी आप लगा सकती हैं, या तो आप ब्रश की भी मदद से भी आप लगा सकती हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैम ने अच्छा सजेस्ट किया कि आप स्पून से लगाए, वो अच्छा से स्प्रेड वगैरह होता है ना, इसलिए। तो अब ये मतलब शुगर सिरप ये सब लग रहा है। तो अगर आप लोगों को जैसा ज्वाइन करना, अगर आप लोग जैसा कोलकाता में रहते हो, अगर आप लोगों को मतलब बेकिंग क्लास ज्वाइन करना है, तो इनका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है द टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो इनको आप लोग डीएम कर दे, जो भी डिटेल्स जानना है वो आप जान सकते हैं। तो और भी बहुत ऐसा आपको मिल जाएगा जो मतलब केक वगैरह बेकिंग क्लास लेती है। तो मतलब क्या है ना, मतलब कोलकाता में जैसा मैं बता रही हूँ, कोलकाता में ना तीन चीज मतलब ज्यादा फेमस है, एक है मेकअप वाली, एक है मेहंदी वाली, एक है केक वाली। तो यहाँ कोलकाता में ये तीन चीज ज्यादा फेमस है, तो मतलब ये तीन चीज को लेकर सब अपना कुछ कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है। तो मैंने भी सोचा कि मतलब मैं क्यों ना मैं बेकिंग क्लास में शुरू करूं, तो इसका मैं बिजनेस में घर बैठे बैठे कर सकती हूं। क्योंकि देखो मुझे मेहंदी और मेकअप दोनों आती है, तो मेरे घर से मैं अलाउ नहीं रहता कि मैं बाहर किसी को जाके मैं लगा सकूं या मेकअप कर सकूं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई मैं बेकिंग क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, कुछ भी होगा इनकम भाई, छोटा मोटा जो भी होगा इसी के जरिए आ जाएगा। एक तो क्या है, इंसान का टाइम पास भी हो जाएगा, और जो इतने सारे जो टेंशन वगैरह जो रहती है उससे भी आप लोग क्या है ना मुक्त पा जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसलिए इंसान को पता है कि अपने आप को ना एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को एक्टिव रख के, क्योंकि देखो बहुत सारे टेंशन वगैरह सभी को रहती है। ये दुनिया है, कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे से है, कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिस हाल में रखा बहुत अच्छा हाल में रखा है। मैं भी बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं, बस क्या या कुछ बात ऐसा आती है ना जो टेंशन में रहता है इंसान, डिप्रेशन में रहता है, तो ये सब चीज हटने के लिए ना आप ये सब आप बिजनेस आराम से कर सकती है। आप मतलब स्टिचिंग क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकती है, तो ये भी सब बहुत अच्छा रहता है। तो यार यहाँ तो थोड़ा सा प्रोसेस मैम ने तो बताया, तो और क्या मतलब केक बना, जैसा जैसा मैम मतलब केक बना रही वैसा वैसा ना मैम फ्रिज में भी रखते जा रही थी सेटिंग के लिए, मतलब सेट हो जाए इसके लिए। तो हम लोगों को लंच भी मिला था, जी हाँ हम लोग क्लास में लंच भी मिला था। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लंच वगैरह मिलेगा, तो मैंने तो अपना टिफिन वगैरह मतलब बिस्किट पानी वगैरह ये सब मैं लेके गई थी, तो वहां देखा लंच भी मिला था। तो सबको एक एक बॉक्स ये पिज्जा बॉक्स मिला था, तो मैं और भाभी दोनों गई थी, तो हम लोगों ने क्या किया शेयर कर लिया, क्योंकि चार पीस रहता, चार पीस तो यार खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए दो दो पीस हम लोगों ने खाया, बाकी एक जो था वो घर पर लेके आ गए थे। तो ये जो हमारा जो केक बन रहा है ना, ये एक्चुअली में बेल्जियम चॉकलेट केक बन रहा है ये, तो बहुत अच्छा इजी मेथड लगा मुझे। तो मैंने सोचा था कि काफी ज्यादा टफ होगा बेकिंग वगैरह, देखो शुरू में हर चीज आपको टफ लगती है, ठीक है, जब आपको उसके आदत हो जाएगी ना तो वही चीज आपको ना इजी लगेगी, लगेगा ये तो भाई मेरा बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो शुरू शुरू में कुछ भी अगर आप सीखने जाओगे आपको थोड़ा सा परेशानी आएगी, थोड़ा सा टफ लगेगी, थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को और भी चाहिए। तो मतलब सब बोलते हैं कि बेकिंग क्लास इजी है, खैर भाई इजी तो है, अब मतलब अब जब मैं बेकिंग करूंगी तब पता चलेगा भाई कि कितना इजी है नहीं है। तो देखा जाए तो इजी तो सब चीज है, जब वो चीज अगर आ जाए तो अब
देखते हैं कि जब मैं बेकिंग करूंगी तो क्या होगा। तो यहाँ जो है ना, ये जो मैम जो एक्स्ट्रा जो ऊपर जो चॉकलेट जो लगाई है वो एक्चुअली मैं ड्रेपिंग के लिए लगाई थी। जो ड्रेपिंग है ना, जो साइड साइड से मतलब चॉकलेट जो गिरती है उसके लिए, ये देखो ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये मतलब जो साइड साइड से ये जो गिर रही है। और पता है, और मैं तो बैठी थी लास्ट में, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी ये शूट वगैरह करने के लिए। तो ये जो एक लड़की थी ये एक मोबाइल में ले रही थी, तो मैंने सोचा चलो भाई इसको भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ तो अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। तो ये देखो, ये जो मैम ड्रिपिंग मतलब दे रही थी साइड साइड से मतलब स्पून की मदद से। तो और मैं क्या बोलूँ यार, हाँ आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन कौन सा करिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि सबको पसंद है ना, जैसे किसी को मेहंदी लगाना पसंद है, किसी को मेकअप करना पसंद है, किसी को कुकिंग, किसी को स्टिचिंग, और भी बहुत ऐसा मतलब जैसे आर्ट्स वगैरह पेंटिंग करना। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या आपको उसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। अगर नहीं है तो करने का कोशिश करें उसका सोर्स ऑफ इनकम। अरे कुछ भी आएगा यार, आ तो जाएगा ना आपका, कुछ भी आपका अपना खर्चा हो जाएगा, आपका घर बैठे बैठे कुछ भी है आपका आ जाएगा, वो इनकम आ जाएगा जो आपके लिए भी आसानी होगा। और क्या, आप अपना खुद का खर्चा भी उठा सकती हैं, आप अपना शॉपिंग वगैरह भी कर सकती हैं, है कि नहीं। तो देखा जाए क्लास तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। अब मैम भी अच्छी थी, बहुत स्वीट और काइंड भी थी, बहुत अच्छा से उन्होंने सब हर एक एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो बहुत अच्छा लगा मुझे क्लास। और प्लस ये तो पहला दिन था, और दूसरा दिन तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। जो वहाँ पर जो स्टूडेंट लोग भी जीत थी और भी, तो उन लोगों से और भी ज़्यादा फ्रैंक हो गए, दोस्ती वगैरह और भी अच्छा हो गई। तो ये तो अब हमारा केक का डेकोरेशन हो रहा है। तो ये देखिए, ये मैम ने फ्लावर्स वगैरह ये सब लगा दिए। अब इसमें क्या आप देखिए डेकोरेशन के लिए, तो वो भी आगे देखते हैं जिसमें, और जो मतलब टॉपिंग्स वगैरह ये सब जो लगेगी तो वो देखते हैं। और मैं एक बात कहना चाह रही थी, खैर जब याद आएगा बोल देंगे। तो अभी आप लोग देखे, ये मैम चेरी लगा रही है तो ये तो आप लोग बता, आप लोग जो केक वगैरह आप लोग खाते होंगे तो आप लोगों को मतलब कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट पसंद है या वैनिला। मुझे तो देखा गया, मुझे वैनिला केक ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पसंद है वैनिला केक। तो आप लोग भी अपना अपना टेस्ट अकॉर्डिंग बताएं कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, वैनिला चॉकलेट केक क्या अच्छा। चॉकलेट केक भी अच्छा लगता है, लेकिन वैनिला केक जो मतलब वैनिला आइसक्रीम, वैनिला केक, तो ये सब ना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे खाने में। बाकी आप लोग भी अपना अपना टेस्ट बताएं। तो ये केक बनकर तैयार हो चुकी है, अब कटिंग हो रही है। तो अब कटिंग हुई तो सब में यार डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, क्योंकि मैम का तो ये रोज़ का काम है केक बनाना। तो ये रोज़ फ्रिज में तो रख नहीं सकती है ना ही रोज़ खा सकती है, तो इसलिए ये स्टूडेंट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये जो भी मैंने जो शेयर किया व्लॉगिंग तो पसंद आए। अगर पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगले ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल करें और हम सबको अपनी दुआ में शामिल।